ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। व्यूवर्स आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि रुबाब को जैसा कि हकीकत मालूम हो जाती है अदील की, कि अदील उसकी दोस्त नताशा के साथ अफेयर चला रहा है, इसी वजह से वो उसके लिए पार्टी भी प्लान कर लेती हैं। और अब अदील को इस बात का तो शक ही नहीं होता कि रुबाब को उसकी हकीकत मालूम हो चुकी है। रुबाब सब दोस्तों को बुलाती है और अदील से भी कह देती है कि वो सबको बुलाए। नताशा को जिस तरह वो इग्नोर करती हैं, अदील को भी कुछ परेशानी होने लगती हैं कि आखिर रुबाब ऐसा क्यों कर रही है। अब जब सब मेहमान आ जाते हैं तो रुबाब सबके सामने नताशा की और अदील की हकीकत खोल देती है, जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। नताशा भी अपने शोहर की नज़रों में गिर जाती है। और दूसरी तरफ अब जिस तरह से रुबाब इग्नोर कर रही होती है अदील के पेरेंट्स को, उनको भी बहुत बुरा लगता है। अब रुबाब तो उनका भी लिहाज नहीं करती, उनसे भी बदतमीज़ी करती है, क्योंकि वो जानती हैं कि जब उसका शोहर ही अपना नहीं है, इसी वजह से वो भी घर से चले जाते हैं। वो सड़क पे खड़े होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अदील की माँ रो रही होती है और कहती है कि शर्जीना के साथ मैंने ठीक नहीं किया, उसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं हमेशा उसे बातें सुनाती रही, लेकिन उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि शर्जीना जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। शर्जीना की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, शर्जीना की हालत क्रिटिकल होती है, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा भी बेहद परेशान होता है। उसे इस बात का अंदेशा होता है कि कहीं शर्जीना हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर ना चली जाए। वो शर्जीना से बोलने की कोशिश करता है।